तिथि है, पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे हुए हैं। बेरोजगारी की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, अब ठेला चलाएंगे, वो समय आ रहा है कि ये परमानेंटली ठेला चलाएंगे। आपके निवास पे एक बड़ी बैठक विधायक दल की बैठक है, समय समय पर होती रहती है, चुनाव की तैयारी पर चर्चा करेंगे। सर आज ओबीसी का बंद है, हम पूरा समर्थन कर रहे हैं, वो हमारे पिछड़े वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है। अगर 50% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग अपने प्रदेश में है तो उसके मुताबिक, हमने तो कहा था 27%, हमने कानून बनाया था, पर इन्होंने सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया, महीनों से पेश नहीं किया, न बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट दी। कोर्ट ने तो अपने जजमेंट में 7-8 दिन पहले कहा कि ये रिपोर्ट हम अस्वीकार करते हैं। अब ये खींचतान के ऐसा आरक्षण ला रहे हैं जहां घोर अन्याय होगा, कहीं 5% मिलेगा, कहीं 7% मिलेगा, और प्रचार कर रहे हैं कि आरक्षण हो गया। आरक्षण की बात नहीं है, प्रश्न है कितना आरक्षण हुआ, कितने प्रतिशत आरक्षण हुआ, ये प्रश्न है, और ये जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। सर मॉर्निंग एक्शन पॉइंट पर दिखाई दे रहा है, मॉर्निंग 6:30 बजे। देखिए, उनको कोई ना कोई इवेंट बनाना है, उनको मीडिया के लिए कुछ ना कुछ फीड करना है, तो कुछ भी कर लो, हाँ ठेला चला लो, कोई भी नौटंकी कर लो। नौटंकी वो सोचते हैं ये प्रदेश की जनता गुमराह होगी, पर मुझे प्रदेश के मतदाताओं पर, प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है कि अंत में सच्चाई पहचान के सच्चाई का साथ देंगे। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 31वीं पुण्यतिथि, और इस दौरान अलग अलग जगहों से देश भर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे थे और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे।